अयोध्या के भव्य दीपोत्सव के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। कहीं ना कहीं YouTube, Instagram, Twitter या किसी न किसी सोशल मीडिया हैंडल पे आपने जरूर देखा होगा इसके क्लिप्स, इसके वीडियोस, और आपका भी मन कहा होगा कि काश कि मैं अयोध्या में होता और एंजॉय कर पाता। लेकिन आप कंफ्यूज हैं छोटी छोटी चीजों के लेके, जैसे कि यहाँ पे मैं जाऊँगा कैसे, यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली, सेलिब्रेट कब होता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। नमस्ते, जय सियाराम। मेरा नाम उत्कर्ष, आप देख रहे हैं उत्कर्ष ठाकुर यूट्यूब चैनल। आज सारे के सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, अयोध्या आप दीपोत्सव सेलिब्रेट करने आएंगे वो तो सही है, पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दीपोत्सव सेलिब्रेट करते ही क्यों है। देखिए, आप सबने अगर रामायण देखी होगी तो आपने जरूर देखा होगा कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद कठोर वनवास काट के जब अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्यावासी जो थे वो इतने खुशी थे तो खुशी में पूरी अयोध्या को एकदम लाइट से सजा दिया। उस समय लाइट्स इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती थी, पर दिया जो होते हैं उससे सजा दिया, घी के दीपक जलाए और पूरी अयोध्या को एकदम बढ़िया से सजा दिया और खूब इंजॉय किया, खूब सेलिब्रेट किया उनके आगमन का। तो बस तभी से लेके आज तक हम उसे दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दिवाली के दिन प्रभु श्री राम वापस आए थे तो एक दिन पहले दीपोत्सव क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, दीपोत्सव एक दिन पहले इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो टूरिस्ट वहां पे घूमने आते हैं या फिर हम लोग या आप अगर वहां पे आ रहे हैं तो एक दिन पहले आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपने घर पे जाके अपने फैमिली अपने परिवार के साथ में भी दिवाली मना सकेंगे, इसलिए उसको जस्ट एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे दीपोत्सव के कार्यक्रम के बारे में कि दीपोत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम और कब होते हैं। देखिए, दीपोत्सव का कार्यक्रम जो होता है वो 3 बजे से शुरू होता है और सबसे पहला कार्यक्रम जो होता है वो होता है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में आपकी जो नृत्य कलाएं हैं और कुछ गाने हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अलग अलग प्रदेश के जो फेमस सॉन्ग हैं, जो फेमस डांस हैं, वो अयोध्या की सड़कों पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी झांकियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि रामलीला। ये सारी चीजें आपको अयोध्या में 3 बजे से, करीब 3 बजे से आपको अयोध्या की सड़कों पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो दूसरा कार्यक्रम होता है वो होता है प्रोजेक्शन मैपिंग का। अब आप पूछेंगे प्रोजेक्शन मैपिंग क्या है। प्रोजेक्शन मैपिंग ये है कि मिड एयर में बिना किसी सरफेस की मदद के लेजर के जरिए एक आकार तैयार किया जाता है, एक वीडियो क्रिएट की जाती है मिड एयर में, जैसे कि रामायण, एक रामायण का कोई पार्ट हो गया या फिर रामायण हो गया या कोई भी ट्रेडिशनल वीडियो हो गई, उसको मिड एयर में दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो मिड एयर में होता है और बहुत सारे लोग आते हैं उसको देखते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठा होती है उसको देखने के लिए। देखिए, तीसरा जो कार्यक्रम है वो है प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का आगमन। ये इनका वेलकम जो है वो राम कथा पंडाल में किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताऊं, पता है ये लोग आते कैसे हैं, ये हेलीकॉप्टर से लाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हेलीकॉप्टर से क्यों लेके आते हैं। देखिए, रामायण आपने देखा होगा तो उसमें जब श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी जब आते हैं, अयोध्या आते हैं, तो पुष्पक विमान में आते हैं। पुष्पक विमान उस समय होता था जो कि उड़ सकता था हवा में। अब आज पुष्पक विमान तो है नहीं, पर हाँ उसके जैसा ही हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर को एज अ पुष्पक विमान का प्रतीक मान के उसको लाया जाता है रामकथा पंडाल में। वहाँ पे उनका फूल माला, आरती और बहुत सारा कार्यक्रम होता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। उसके बाद चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो है लैम्प लाइटिंग एंड काउंटिंग। लैम्प लाइटिंग, दियों को जलाना। देखिए, हर साल सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ दिए जलाए जाते हैं अयोध्या में, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आता है। पिछले साल का रिकॉर्ड जो है वो 21 लाख दियाज है, इस बार उससे भी ज़्यादा जलाया जाएगा, आई थिंक 25 लाख दिया जलाए जाने वाला है। तो उसके बाद काउंटिंग भी होती है, मैंने कहा लैम्प लाइटिंग एंड काउंटिंग, तो उसको ड्रोन से, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा ड्रोन से काउंट किया जाता है ऊपर से कि कितने नंबर ऑफ दियाज हैं, उसके बाद ही आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं और जो भी इंजॉय करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा जो कार्यक्रम है वो है सरयू आरती। सरयू आरती आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये देखने में। आरती की और जो जल रहा होता है उसका जो प्रतिबिंब है वो आपको नदी में दिखाई देता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। बहुत लोग अयोध्या में रह जाते हैं पीछे और मिस कर देते हैं सरयू आरती को, तो सरयू आरती बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आप, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि अयोध्या में होता क्या क्या है, अब बात आती है कि अयोध्या हम आए कैसे, हाउ टू रीच अयोध्या। देखिए, अयोध्या आप किसी भी साधन से आ सकते हैं, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या फिर हवाई जहाज, आप किसी चीज से आ सकते हैं। अपने खुद के वाहन से आना चाहते हैं तो भी बहुत इजीली आ सकते हैं, रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम आपको कोई इशू नहीं होने वाला है।
देखिए, अगर आप बस से आने वाले हैं तो डायरेक्ट आपके सिटी से अयोध्या के लिए डायरेक्ट बसेस चलती हैं, वहां से आप आ सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्ट बस नहीं है तो वहां से आप नियरली लखनऊ आ सकते हैं, फिर लखनऊ से फिर आ सकते हैं अयोध्या। दूसरी अगर बात करें ट्रेन, ट्रेन तो ऑलमोस्ट आपके हर शहर से चलती है अयोध्या के लिए, अब तो चलने लगी है। तो अयोध्या में मेनली दो स्टेशन है, अयोध्या धाम स्टेशन और अयोध्या कैंट। अयोध्या धाम स्टेशन जो है वो एकदम अयोध्या में ही है, बिल्कुल 0 किलोमीटर है अयोध्या से। और अयोध्या कैंट जो है वो शायद पहले जो फैजाबाद हुआ करता था, अभी उसको अयोध्या ही बोलते हैं, तो फैजाबाद में है, वहाँ अयोध्या से शायद 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप वहां भी आ सकते हैं। 7-8 किलोमीटर कुछ नहीं है यार, रिक्शा से आप आ जाएंगे। और तीसरे माध्यम की बात करें तो वो है हवाई जहाज। एयरपोर्ट जो है वो फैजाबाद में स्थित है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ये बिल्कुल अभी नया नया बना हुआ है, तो आप महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सारी फ्लाइट्स वहां से आती हैं और जाती भी हैं। या फिर आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ वहां से आई थिंक 120 से 125 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहां पे भी आप आ सकते हैं। देखिए, लखनऊ का ऑप्शन मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, शायद आपको फ्लाइट्स ना मिल पाए वहाँ की, तो आप लखनऊ आ सकते हैं। लखनऊ से यहाँ इजीली आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आपको इजीली मिल जाएगी। लखनऊ से अयोध्या बस से आ जाएं या ट्रेन भी चलते हैं, ट्रेन से आ जाएं, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि अयोध्या में आ तो हम जाएंगे, लेकिन क्या अयोध्या के अंदर हम प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पे शायद एंट्री वेंट्री कुछ बंद हो जाती है। देखिए, वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा VVIPs आते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए एक दिन पहले से ही अयोध्या को सील पैक कर दिया जाता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो अंदर अयोध्या में एंट्री नहीं कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट डे जिस दिन दीपोत्सव होता है, उस दिन 8 बजे तक सारा कार्यक्रम चलता है। 8 बजे के बाद कोई भी फ्रीली, जब सारे VVIPs हैं वो चले जाएंगे, तो कोई भी फ्रीली अयोध्या में कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है। लेजर लाइट शो है, फायर क्रैकर शो है, बहुत सारी चीज़ें वो बाद में भी चलती रहती हैं, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप जल्दी आना चाहते हैं, अयोध्या के नज़दीक में है, तो पासेस आप बनवा सकते हैं, अयोध्या आके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अयोध्या में पास आप बनवा लीजिए। देखिए, अगर किसी रीज़न से आप अयोध्या नहीं आ पाते हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी की सारी अपडेट्स अयोध्या की इस YouTube चैनल पे मिल जाएगी। बेल आइकन को जरूर टैप करिएगा, जिससे कि जो अपडेट्स है वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आ जाए और कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। लेकिन अगर आप अयोध्या आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको अयोध्या में मिल जाऊंगा, तो मेरे पास आइएगा और मुझसे हैंडशेक करिएगा, मुझसे मिलिएगा जरूर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो नमस्ते, जय श्री राम, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और या फिर रिलेटिव्स जो कि अयोध्या आना चाहते हैं उनके पास शेयर करिए और अयोध्या के बारे में सारी जानकारी उनको दीजिए।